प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। मैं इस्तामदुर खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मध्य प्रदेश के इंदौर में 30 से अधिक लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है। इसे लेकर शुक्रवार की सुबह खजराना गणेश मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मंदिर में विधि विधान से पूजा के बाद सभी लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। धर्म परिवर्तन करने वाले सभी लोग इंदौर, देवास, मंदसौर और धार जिले के रहने वाले हैं। धर्म बदलने वाले लोगों की सूची में 10 से ज़्यादा औरतें हैं। खजराना मंदिर आने के पहले ही सभी लोगों को धर्मशाला में पंडितों ने विधि विधान से गौमूत्र, मिट्टी और 10 प्रकार के स्नान से पवित्र कराया। इसके बाद भगवा वस्त्र धारण करवाकर खजराना मंदिर लाया गया। धर्म बदलने के बाद नीलोफर निकिता बन गई, रज्जाक रोहित बन गया और अंजुम आरती तो अबरार अभिषेक, ऐसे सभी ने नाम बदल लिए हैं। कहा जा रहा है कि सभी ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है। बड़ी संख्या में घर वापसी हुई है इंदौर के अंदर, वो हमारे यहाँ से अभी जारी हो जाएगा, उसे आपको पता लग जाएगी कितनी संख्या थी। अच्छी बड़ी संख्या है और सनातन में घर वापसी हुई है। मूलतः इंदौर के हैं, देवास के हैं, सांवेर के हैं, अन्य जिलों के हैं, इंदौर के ज़्यादा हैं। 12 से 13 लोग इंदौर के हैं। क्या कारण रहे ये सब? सनातन से प्रेरित हैं, उनका दम वहाँ घुटता है। पूरे विश्व में सनातनी व्यक्ति ने जो डंका बजाया है और आरएसएस के कैडर से प्रभावित होकर सनातन को ये चुन रहे हैं कि सनातनी सोच इतनी शक्तिशाली है जिसने पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है। कुछ तो कारण बताया होगा इतनी बड़ी तादाद में जिस तरह से ये छोड़कर हिंदू धर्म अपना रहे हैं। ये अपने ही धर्म के जो कानून है कड़े कट्टरपंथी, उनसे घबरा कर आए हैं और कट्टरपंथी कानूनों को पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात जो आती है हलाला की, दूसरी आती है 3 तलाक की, जो कि सरकार ने अभी उसका एक कानून बना दिया। तो ये सब कार्यों से प्रभावित होकर सनातन को चुन रहे हैं कि सनातन में एक अच्छी व्यवस्था है जिसमें सौम्यता है, जिसमें कट्टरता नहीं है, कट्टरपंथी सनातन नहीं है। सनातनी सोच जो है वो सर्वधर्म के लिए है, इसलिए उसको और 3 तलाक को लेकर तो महिलाओं ने बताई का क्या कहना है, वो क्यों छोड़ पुरुष कट्टरपंथी से परेशान है, कट्टरपंथी से परेशान है और जो इनके पथ हैं उससे परेशान है। ये मीडिया से क्यों बात नहीं कर रहे? देखिए, ये उनका विषय है, इन्होंने एफिडेविट दिया है जो माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ जा रहा है, वहाँ से भी जानकारी मिल सकती है, ऐसा नहीं है। और जो नियम है उस नियम के अनुसार इन सब ने वापस घर वापसी की है। देखिए, पिछली बार घर वापसी हुई थी, आप सब ने मंजर देखा खजराना का, वो एक तरह से जलजला हुआ था। कहीं ना कहीं विधर्मी इनको रोकने का प्रयास करते, ये सत्य है कि कहीं ना कहीं भय तो बना हुआ रहता है इनके मन में, तो उस भय को देखते हुए इस बार शायद से इस प्रकार का उन्हें लगा होगा, इसलिए वो सनातन के अंदर आए, उन्होंने धर्म को अपनाया। खजराना गणेश जो प्रथम देव हैं उनके दर्शन किए और इंदौर में एक अच्छा वातावरण बना के संदेश दिया कि सनातन की जय हो। घर में स्वयं आ रहे हैं, पूर्व में जो मुगलों द्वारा जो प्रताड़ित करके इनको परेशान करके उन्होंने जो है जबरदस्ती मुगलों ने इस्लाम कबूल करवाया, तो उनको आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें हमारे सनातन धर्म में घर वापसी करना चाहिए और उस सनातन धर्म में घर वापसी करना। मुगल काल में तो थे ही नहीं भाई साहब। नहीं, मुगल काल में तो आपको जानकारी है कि सबसे ज्यादा अगर धर्मांतरण हुआ है
तो औरंगजेब से लेके सभी ने जबरदस्ती धर्मांतरण करा, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, ये पूरा विश्व जानता है। और अब जो है सनातन धर्म जो है पूरे विश्व में फैल रहा है। आप देखिए कहीं रशिया में जो है वो हिंदू और सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं, विश्व के कई देशों में आप अगर देखेंगे, देखिए उन्होंने धर्म छोड़ने का सिर्फ एकमात्र कारण ये था कि साहब हम सनातन धर्म के पूर्व में थे, हम सनातन धर्म को मानते थे और उसी तरीके से उन्होंने हिंदुत्व जो है हिंदू को अपनाया। हिंदू धर्म जो है वो आस्था का प्रतीक है, हिंदू धर्म दया का प्रतीक है। देखिए अब ये तो व्यक्तिगत इच्छा होती कि कोई बात कर सकता नहीं कर सकता, अब ये इसमें मैं किसी को जबरदस्ती तो कर नहीं सकता।